नीमच जिले में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में अच्छी बारिश भी हुई है, लेकिन नगरपालिका द्वारा अब तक शहर के बड़े नाले व नालियों की सफाई नहीं कराई गई है। इसके चलते नाले और नालियां जाम भी पड़ी है। संजीवनी तालाब, माधोपुरी पुलिया, ग्वालटोली पुलिया, ये सभी जलकुंभी से लबालब भी हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह जलकुंभी नहीं है, कोई घास का खेल का मैदान हो। वहीं बारिश में शहरवासियों को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अभी तो बारिश शुरू ही नहीं हुई है। उससे पहले ही रहवासी इलाकों में और कॉलोनी में सीवरेज का पानी घरों में अभी से आने भी लग गया है, जिससे कॉलोनी निवासी काफ़ी परेशान भी हो रहे हैं। उनका कहना है कि बारिश शुरू ही नहीं हुई है, उससे पहले ही नालियों का पानी व सीवरेज का पानी घरों में घुस रहा है। वहीं नगरपालिका का दावा है कि नदी नालों की सफाई का कार्य जारी है। आप ये देख रहे हैं कि जो जलकुंभी दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि जो घास का बड़ा मैदान हो या घास की जो भीड़ हो, ऐसा लगता है कि जब ये पानी आएगा और बारिश आने वाली चंद दिनों में, जब ये बारिश इकट्ठे होकर जब बह के जाएगी तो घरों के अंदर जो गरीब बस्ती के लोग रहते हैं नदी किनारे, उनके अंदर जब पानी घुस जाता है तो वो वैसे ही तो लॉकडाउन और ये कोरोना वायरस कोरोना के वजह से बेचारे बहुत मजदूर बेघर हैं और मजदूरी भी नहीं है, और जब ये बारिश का पानी जब उनके घर में घुसेगा तो उनके खाने के लाले तो अभी पड़ी रहे हैं, और हालत जो होगी आप देखने लायक है। और शासन इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, शासन को केवल वो कोरोना कोरोना करके छिड़काव कर रहे हैं मामूली सा, और उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन ये जलकुंभी जब बह के जब जाएगी तो नीमच के जो तबाही मचाती है, पहले भी तबाही मचा चुकी है, और जो गरीब बस्ती है नदी किनारे वो उनको ही ज्यादा परेशानी होगी। उन गरीबों को बहुत परेशान हो रही हूँ, मेरे घर में पूरे कमरे में पानी पानी हो गया है, और मैं आज कम कम ये जब से पीछे नाली बनी है, जब से ये पानी सारा मेरे घर के अंदर आ रहा है, वो पानी सारा घर में जम रहा है, सारी गंदगी वगैरह सब मेरे घर में आ रही है। बारिश तो अभी शुरू नहीं हुई, एक तरफ तो प्रशासन कोरोना से लड़ रहा है और हम लोग तो इतने परेशान है, आए दिन ये भाभी बीमार रहती है, इनके घरों में पानी भर जाता है, और बारिश तो अभी चालू भी नहीं हुई है ना, ना खान सकते पीछे, हमारे छे बीमार रहते हैं, हम लोग इतने परेशान है। हमने सीएमओ को भी लिख के दिया, नहीं हुआ। आशा सामर मैडम, हम दोनों गए भी थे नगर पालिका को, लिख के भी देकर आए, कोई समस्या नहीं, 181 पे भी करा, सारी की सारी लाइन वाले बंद, क्योंकि सीजर लाइन जो थी इन्होंने जो चालू करी है, गड्ढा खोद के पत्थर और ये सब नाली में ही डाल गए, और मेरे घर के पीछे इतना डोबना भरा हुआ है क्या। आप ले जाओ ना। हाँ भाई, अभी बारिश चालू नहीं हुई है और हमारी नालियाँ पीछे से पूरी पैक हो रही है, साफ सफाई हो नहीं रही है, और उसके अलावा क्या है कि अभी 6 महीने में 2 बार हमारी नाली बंद हो गई, पूरे 3 कमरों में पानी भर गया, खाना थोड़ी किया, 2-3 बार गई कंप्लेन भी करी, कुछ नहीं रहा, कोई नहीं आया, फिर प्राइवेट को बुलाया 6 बजे बाद, उसके बाद में नाली साफ हुई, मेरा पूरा घर काला हो गया नाले के पानी से गंदा। नगर पालिका द्वारा 3 दल गठित किए गए और 3 दलों के माध्यम से नाले साफ कराने का कार्य काम चालू कर दिया गया है, और प्रतिदिन 10 से 15 मीटर नाले साफ करवा रहे हैं। बड़े नाले के लिए नगर पालिका ने टेंडर लगा दिए हैं, और पिछले वर्ष हमने बहुत काम करा दिया नाले में, और जहाँ तक हमारा प्रयास है शहर में पानी का भराव नहीं होगा, और इसके बाद ये वाले टेंडर लग जाएंगे तो जो शेष काम है वो ये अवधि में पूरा कर लेंगे। जलकुंभी में जहरीले जीव जंतुओं का रहते हैं और कर्मचारियों को काटने का भय रहता है, पिछली बार भी 2-3 घटना घट चुकी है, और किसी की जनहानि न हो इसको देखते हुए नालों का जलकुंभी मैनुअल नहीं कराई जा सकती है, और जो डंपर और इसके माध्यम से पॉकलैंड के माध्यम से काम किया करते हैं उससे भी जलकुंभी निकल सकती है, वापस आ जाती है, इसलिए ये जलकुंभी का जैसे पानी का बहाव होगा हम पाइंटों पर मशीन लगा के जलकुंभी निकाल देंगे, जलकुंभी से किसी प्रकार का पानी का रुकाव नहीं होगा और कई पानी का बहाव नहीं होगा। नीमच से दीपक खताबे की रिपोर्ट।